अक्सर अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले बस्ती के पूर्व सांसद और असम के बीजेपी प्रभारी हरीश द्विवेदी ने अब दिवाली के मौके पर फिर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दिवाली के त्योहार पर सामान की खरीदारी को लेकर हरीश द्विवेदी के अजब गजब बयान से घमासान मचा है। दरअसल हरीश द्विवेदी ने बयान दिया है कि दिवाली के इस त्योहार पर सनातनी भाई बहनों से ही खरीदारी करें। मोटिव केवल इतना है कि एक समुदाय विशेष के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा लगातार अपने समाज के लोगों से अपील की जा रही है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। अब इन कट्टरपंथियों को जवाब देने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। मैंने सनातन धर्म प्रेमियों से, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों से निवेदन किया कि इस धनतेरस के अवसर पर, इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप खरीदारी सनातन धर्म मानने वाले दुकानदारों से के यहाँ ही कीजिए, क्योंकि कट्टरपंथ लगातार एक विशेष वर्ग के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और कहीं कहीं हिंदुओं का बहिष्कार करने की घोषणा भी की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। अब त्योहार के सीजन में ऐसे सियासी बयान की क्या जरूरत पड़ी, तो अपने इस बयान के बचाव में तर्क देते हुए हरीश द्विवेदी ने कहा कि कट्टरपंथियों के कारण मैंने ये अपील की है कि हिंदू समाज का और उनके कारोबार का बायकॉट करना ठीक नहीं है, इसलिए उनकी अपील के बाद अब जरूर हिंदू जागेगा और उनकी अपील का असर भी दिखेगा। इसका एक उचित जवाब शिष्ट भाषा में कह सकते हैं यही है कि हिंदू को भी जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों के अवसर पर खरीदारी जो भी दीपावली मनाने वाले लोग हैं, धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ करना चाहिए। बहरहाल वैसे तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब हरीश द्विवेदी अपने बयानों से चर्चाओं में हैं। इससे पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से वो विवादों में घिर चुके हैं। वहीं हरीश द्विवेदी के बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस बयान की तुलना अंग्रेजों के फूट डालो वाले प्लान से की है। सवाल यही है, क्या सभ्य समाज में ऐसे बयानों की कोई जगह है?